सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, सेंट्रल बैंक और करेंसी बोर्ड जो होती है वो लागू करती है। वो लागू कब करती है? जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन कब बढ़ती है? जब सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है, मार्केट में चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। डिमांड कब ज़्यादा होती है? जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। और लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ी होगी तो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ मनी कम होगी तो इन्फ्लेशन होगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है। जैसे एग्जांपल आप आज से एक साल पहले आपने एक बिस्किट लिया, वो 5 रुपये का था, पर वही बिस्किट अगले साल जो है 8 रुपये का है। तो इसका मतलब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गई और वैल्यू ऑफ मनी कम होगी। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इस पर कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। जो कंट्री होता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देता है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करने से लोग पैसे ज़्यादा डिपॉजिट करने लग पड़ते हैं। पैसे डिपॉजिट करते हैं, गवर्नमेंट के पास आते हैं। गवर्नमेंट जो होती है बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड इशू करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। लोग जो होते हैं वो पैसा बॉन्ड पे लगाते हैं और बॉन्ड पे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करती है। तो इससे कंपनी जो है एक अपने मुल्क में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कंट्रोल रखती है।